Chupiri chupiri chachi. Hello guys, good morning. क्या आप लोग तैयार हैं गुल्लू के बर्थडे के लिए? हम तो बहुत तैयार हैं, हमने बहुत तैयारी कर ली है. इतनी मेहनत की है हमने डेकोरेशन वगैरह क्रिएट करने में. और इसकी चंपी चंपी चंपुड़ी चंपुड़ी लड़की को देखो, चंपुड़ी लड़की को चंपुड़ी. बहुत इजी है पता है, इस बार ये 1 year की ही है तो हम अपना इसका बर्थडे घर पे कर रहे हैं. क्योंकि अगर बच्चा बड़ा होता तो मेरा बर्थडे क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बर्थडे क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग, ये वो सवाल चालू रहते जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है. आई कैन नॉट एम्पथाइज विद द पेरेंट्स जिनके टॉडलर्स हैं, जो बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, नीचे क्यों नहीं घुमाने ले जा रहे हो, बाहर क्यों नहीं ले चल रहे हो. हाँ, तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि इसकी बर्थडे की तैयारियाँ चल रही थी, डेकोर वेकोर सेट हो रहा था, जो भी DIY डेकोर. तो अभी भी हमने इस बार भी कुछ किया है, आप देखिए कि कैसे बनाया हमने इसका वन, और कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स हमने ट्राई किए घर पर बनाने के. आज वेलकम बैक, आज हम फिर से बना रहे हैं, वन की तैयारी कर रहे हैं. तो वन की दोनों ये बन चुके हैं, तो अभी हम इसमें बीच में ग्लासेस लगा देंगे तो 3D 1 बन जाएगा. 3D इसलिए बनाना है मुझे, वरना तो मैं ऐसे भी लगा सकती थी डेकोरेट कर करके, पर 3D मुझे इसलिए बनाना है कि सो दैट अनाया कैन स्टैंड इधर बाजू में और उसके इसका एक वो वन का इमेज हो उसके पास, इसलिए. तो ये हम कर करके फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे. और हमारी मम्मी भी यहाँ पर बहुत सारा काम कर रही है, आपको दिखाएंगे कैसे करी. मम्मी आप दिखाओ. मैं इसके रिंग बना रही हूँ डेकोरेशन के लिए. ये मम्मी काट काट के रिंग बना रही है. गुजू, आपकी बर्थडे की प्रेप्स चल रही है, आपकी बर्थडे की प्रेप्स. हाँ, ये देखो. हम लोग सब ठीक से काम कर रहे हैं क्या? अनायडू, अरे शोना, आजा आजा आजा. नानू हाय. मिस यू नानू. हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं बर्थडे की. देखो ये बन गया सुंदर. नानी तैयारी कर रही है. नाना तो ऑनलाइन पर सब लोग तैयारी कर रहे हैं. सोनू दो. तो इतना सारा क्या कर रही हो? ऐसा कैसा बच्चा है जिसके काम में लगे हम और ये हमारी ये मम्मी की मेहनत है. ये इधर देखो, ये सब बना रही हूँ मैं और ये अनाया को तोड़ रही हूँ. ये देखो अनाया, अनाया दे दो दो ये इसे के राजा मेरा, इसे के मुझे बनाने दो. चलो गुड्डू आप चलो उधर. अनाया आप छोटी हो तो अपने बर्थडे के प्रेप्स खुद कर रही हो. हाँ, और बड़ी हो जाके बोलेगी प्लीज आई एम नॉट गोना डू माय बर्थडे प्रेपरेशंस. पिट्टी कर दीजिए मम्मा, जो मम्मा की बात नहीं मानती उसको पिट्टी कर दीजिए. आगे का हिस्सा है तो इसमें ये मैंने बना दिया है और थोड़ा सा रैपिंग पेपर से पहले ही रैप कर दिया है कुछ कुछ जगह पे, और फिर उसके बाद हम लोग ना ऐसे इफेक्ट देकर के इसको थोड़ा सा और जैजी बनाने वाले हैं. ये डबल साइडेड टेप मैंने चिपका दिए, अभी इस पर हम ये ऐसे चिपकाएंगे. ये मेरी माता श्री ने पहले से ऐसे फ्लावर्स बना दिए, क्रश्ड फ्लावर्स या जो भी क्रश्ड रैपिंग पेपर समझ लो इसको. ऐसे ऐसे हम जो करेंगे तो इस तरह से हम इसको पूरा डेकोरेट कर देंगे. और दूसरी जगह पे हमने पीछे का हिस्सा है इसमें सारे ग्लासेस लगा दिए हैं, जिससे कि अभी हम इसको ऐसे रखेंगे और
और हम इसको ऐसे करेंगे तो दिस वुड बी अ स्टैंडिंग वन. अभी चुपका नहीं है बट देन विल स्टैंड. और फिर हम यहाँ पे खाना खा लेंगे और हम उसकी फोटो शूट करेंगे बस. और इतना सारा मेहनत करके हमने अभी फिर से आज देख लिया है और ब्रेक मतलब कुछ खाना. और हम लोग आजकल इतना ही खा रहे हैं और अगर मम्मी घर पे आए तो मम्मी इतना कुछ स्पेशल स्पेशल बनाती है. अगले बनाया है मंडे पर ढोकला बनाया दाल का ठीक है और गुजरात का ये हांडवा बन रहा चटा से. ये देखिए मेरी फेवरेट डिश है गुजराती हांडवो. और ये अंशू के लिए सबके अलग अलग डिशेस बन रही है सबकी फेवरेट फेवरेट. बहुत मजा ऑयल है अनाया के बर्थडे के दिन पार्टी करेंगे तो फिर जरूर शायद आप तो आइए घूमने के लिए खा रहे हो. सो फाइनली ये हो गया है रेडी. फिर भी थोड़ा फिनिशिंग टचेस बाकी है. ये देखिए बीच में ग्लासेस लगाए मैंने और उसको स्टिक कर दिया है दोनों तरफ से. डबल साइडेड टेप भी बहुत लिमिटेड था तो वो सेलो टेप को ऐसे ऐसे घुचुड़ मुचुड़ कर लगाया और बहुत अच्छा लग रहा है. खुद की मेहनत देख करके बहुत खुशी हो रही है. ये सारे आइडियाज ना हमें क्रिएटिविटी हमारी मम्मी से आएंगे जो ये वीडियो ले रही है ना पीछे. तो वो बचपन में हमें यहाँ चिल्ड्रंस डे पे कार्ड बना करके देती थी और तकिए के नीचे गिफ्ट्स रख देती थी ये वो. तो वो मम्मी हमारे लिए कार्ड बनाती थी जब हम छोटे थे तो उस क्रिएटिविटी ऐसी इनहेरिट हुई है हमें. और ये देखिए अभी बस बर्थडे आए और ये अच्छा लगे वो जो ड्रेस पहन रही है उसके साथ मैच हो. तो आइडिया ये है कि वो ऐसे करके यहाँ पे वो खड़ी हो और वैसे फोटो लेना है. तैयारी कर ली है सब तैयारी हो गई आपकी बर्थडे की ओके. और अनारे खूब तैयारी कराई है बैठ करके कि ऐसे चाहिए कि वैसे चाहिए. तो जो भी थोड़ी बहुत चीजें बाकी है अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग है अनाया का फर्स्ट बर्थडे.